ते मई पेता खिल चापलार्भके दान्ते धिततक्रीडन के नुवर्तनी चक्रो कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शना शुश्रूषमाणे मुलयो मुनियोल्पभाषिणी। यहां पर एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग आया। उन्होंने कहा कि जब भगवान के नाम को यदि आश्रय नहीं लोगे, जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता है। तो फिर उन्होंने कहा कि सुनो, मेरे जीवन में इसका साक्षात प्रमाण उपलब्ध है। क्योंकि क्या, क्योंकि मैं अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्य कश्चन वेदवादिना निरूपितो बालक एव योगिनः शुश्रूषणे प्रावृत्ति निर्विवक्षताम। कहने लगे कि मैं पहले एक बड़े ही सुंदर वेद पाठी ब्राह्मण के यहाँ दासी का पुत्र हुआ करता था। दासी के पुत्र होने से मैं वहां उनकी सेवा भी किया करता था। तो वहां पर क्या हुआ कि चार महात्मा हमारे यहां आ गए। और मैं बताना क्या चाह रहा हूं व्यास जी, सुनो कि राम के नाम की महिमा का प्रभाव क्या है, समझ गए? राम जी के नाम की महिमा का क्या प्रभाव है। तो मैं पिछले जन्म में दासी का पुत्र हुआ करता था, एक ब्राह्मण के यहाँ सेवा करता था, और उनके यहाँ चार ब्राह्मण आ गए चतुर्मासा बिताने के लिए। चतुर्मासा कहते हैं जो बरसात के चार महीने होते हैं, इसमें व्यापारी लोग और वानप्रस्थी लोग जो होते हैं, ये अपना कार्य बंद करके कहीं एक जगह रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? वानप्रस्थी वे होते हैं जैसे कि चार आश्रम होते हैं, विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ और संन्यास। इसमें क्या होता है कि विद्यार्थी होता है तो वो तो पढ़ाई करता है, जिसको ब्रह्मचर्य कहते हैं, और गृहस्थ तो आप समझते ही हो। वानप्रस्थ वो होता है जब 55 साल से आगे जब उम्र हो जाती है, बालक बच्चे होते हैं 25-25 साल के, भी पढ़ लिख के आ गए, बालक बच्चे आ गए, उनकी बहू आ गई, बहू आ करके कमाने धमाने लग गए हैं, तो अब क्या करें? तो अब करना है केवल जीवन का कल्याण। कैसे? तो अब घूमेंगे तीर्थों में चारों तरफ, क्योंकि शरीर में शक्ति है, घूमते रहते हैं, तो उसे वानप्रस्थ कहते हैं, समझे? घर छोड़ दिया है, हर एक तीर्थ में जाएंगे, और घूमते घूमते जब इतनी कमजोरी आ गई कि घूम नहीं सकते, तो एक जगह आके दो कपड़े पहन करके भगवान के भजन में लग गए, उसे कहते हैं संन्यास। तो जो वानप्रस्थी घूम करके तीर्थों का भ्रमण करते हैं, तो उसमें वे बरसात के महीने में भ्रमण करना बंद कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि बरसात में भ्रमण करेंगे, आगे जा रहे हैं, मान लो बराला से महावा के लिए आ रहे हैं वे, यहाँ तो 4 किलोमीटर की दूरी है, कहीं 10 किलोमीटर की पड़ गए, तब तक हो गया भयंकर बरसात हो गई। और अगर जो भयंकर बरसात हो गई उस समय, तो ये जान लीजिए कि रास्ते में ही फंसे रह जाएंगे। और रास्ते में फंसे रह गए तो फिर कहाँ खाने को मिलेगा, कहाँ पहनने को मिलेगा, कहाँ क्या मिलेगा? तो खतरा मोल ना लेते हुए वे किसी गांव में एक जगह पर अपना निवास स्थान बना लेते,
और उसी निवास स्थान में वे अपने 4 महीने काटते हैं और उसी परंपरा से चलते हुए हर गांव में धर्मशाला बनती थी कि नहीं। तो धर्मशाला किसके लिए होती थी? यदि वानप्रस्थी लोग आ गए, क्योंकि उनका तो घर नहीं है, आ गए तो उन्हें घर की आवश्यकता पड़ेगी, तो कोई अपने घर में तो रखेगा नहीं, तो धर्मशाला बना दी जाइए, ये रही धर्मशाला, आपके लिए ये रहे कमरे और ये मैदान, अगर जो आपको सफाई ना हो तो हम करे दे रहे। और गांव वाले भोजन की व्यवस्था करते थे और भोजन की व्यवस्था करके वे वानप्रस्थी अपना 4 महीने का जीवन काटते थे, इसलिए धर्मशाला हुआ करती थी, क्योंकि वानप्रस्थी आके रुकते थे। आजकल धर्मशाला का तो चलन है, वानप्रस्थ का चलन खत्म। धीरे धीरे धर्मशाला भी पुरानी हो गई हैं और जैसे ही वे टूट के गिर गई उसी समय से धर्मशाला भी इतिहास हो जाएगी। क्यों? सब देख रहे धर्मशाला पड़ी है, कोई कुत्ता घुस रहे हैं, कहीं कुछ घुस रहे हैं, काम आ नहीं रही है, तो धर्मशाला का चलन भी खत्म हो गया। नई कोई भी तुम्हें 20 साल के पहले की, 20 साल के बाद कोई भी नई धर्मशाला तुम्हें बनी नहीं मिलेगी। पहले प्रत्येक गांव में एक धर्मशाला हुआ करती थी। तो वानप्रस्थी आ गए, तो वानप्रस्थी आकर के वहां पर रुके और रुक करके वहां पर उन वानप्रस्थियों ने उन्हीं ब्राह्मण के यहाँ पर जा करके अपना निवास स्थान बनाया, जिन ब्राह्मण के यहाँ मैं सेवा करता था। और सेवा करने में क्या हुआ कि उनकी बातों को इतना सुनता था मैं, ध्यान से इतना सुनता था कि महात्माओं ने मुझ पर कृपा कर ली। क्यों करी कृपा? उन्होंने हमारे लक्षण देखे। क्या ते? उन्होंने मई अपेता, अपेत माने रहित, अखिल चापलार भके, संपूर्ण बच्चे की चंचलता से रहित मुझे देखा। किन्होंने? उन 4 ब्राह्मणों ने। और दांते धृतट क्रीडन के नुभर्तनी, दांत माने बड़ा जितेंद्रिय था, और अद्रित क्रीडन के, मैं किसी भी खिलौने से नहीं खेलता था, ये मुझे देखा। क्योंकि बच्चे खेलते हैं लेकिन ये खेलता नहीं, मेरी बात ज्यादा सुन रहा, ये महात्माओं ने देखा, 4 महात्माओं ने। और फिर जब उन्होंने ये लक्षण देखे तो चक्रो कृपाम, उन्होंने कृपा की, यद्यपि तुल्य दर्शनम नाह, यद्यपि वे 4 महात्मा सभी से समान व्यवहार और समान प्रेम करते थे, फिर भी उन्होंने मेरे ऊपर कृपा कर दी, जबकि मैं छोटा था 5 साल का। शुश्रूषमाणे मुनियोल्पभाषिणी, मैं उनकी बात बड़े ध्यान से सुनता था और अल्पभाषिणी, बहुत कम बोलता था। कहने का मतलब सुनता ज्यादा था, बोलता कम था। इसके बाद फिर आगे क्या मैंने किया? कहने का मतलब ये है कि कोई भी बालक हो, ठीक है, उसके लक्षण बचपन में ही दिखाई पड़ जाते हैं। और बचपन में दिखाई कैसे पड़ जाते, एक बात बता दे तो वैसे पक्की बात है, आजकल अगर जो कोई बच्चा 11, 12 साल तक, 13 साल तक अगर जो कोई खेलता है तो ये सामान्य बात है, और अगर जो 14 साल के बाद अगर जो क्रिकेट में मस्त रहने लग जाए तो ये जान लीजिए कि इसका जीवन गारंटी से अंधकार में हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ध्यान रखो, खेल से मनोरंजन हो सकता है, जीवन नहीं चल सकता है, ध्यान रखो। आजकल जितने कहते क्या करें, हमें बेलदारी करते हैं, या हम बहुत ज्यादा टाइल पत्थर, ये ईंट पत्थर करते हैं, तो क्यों करते हैं मालूम है? क्योंकि जब उनको कुछ सीखने का समय था तब क्रिकेट खेलने में उन्होंने समय बिताया है, समझे?
और जब ब्याह हो गया तो जिम्मेदारी बढ़ गई। अभी तक खेले हैं क्रिकेट, ठीक है, और जब जिम्मेदारी बढ़ गई तब उन्हें लगा अरे राम राम राम, इसकी भी पूर्ति करनी, अब क्या करें अब क्या करें। भगवान दया से माता पिता थे तो उन जैसे तैसे काम चला, तब तक हो गए बालक बच्चे, और तब तक माता पिता राधे राधे हो गए। अब आ गए उनके भार कंधे पर, अब वे चारों तरफ बंदर की तरह मुंह लिए घूम रहे, क्या करें क्या ना करें। तो फिर कुछ नहीं मिलता तो चलो साहब बेलदारी करते हैं, मिस्त्री गिरी करते हैं, ईंट पत्थर टाइल लगाते हैं, फिर समझ गए। हाँ, क्योंकि कितना भी नीचे व्यक्ति हो, ध्यान रखो विद्या एक ऐसा आभूषण होता है कि व्यक्ति को आगे बहुत जल्दी पहुंचा देता है, समझ गए। ध्यान रखो स्त्रियों के मेकअप के 16 श्रृंगार होते हैं, आजकल ज्यादा हो गए, ध्यान रखना, तुम्हारे जमाने में 16 होते थे, आजकल 100 हो गए हैं। 16 श्रृंगार में आई लाइनर नहीं है, 16 श्रृंगार में लिप लाइनर नहीं है, तो आजकल ज्यादा हो गए हैं। लेकिन 16 श्रृंगार होते स्त्री को सजाने के लिए होते कि नहीं, लेकिन पुरुष को सजाने का मात्र एक श्रृंगार है, वो है विद्या, समझ गए। कितना भी बढ़िया बन जाए, कितना भी बढ़िया बन जाए, गाल फिर भी कटहल जैसे होंगे, होंगे कि नहीं, होते हैं कि नहीं। कितना भी सुंदर बन जाए, स्त्री वास्तव में सुंदर लगती है, पुरुष इतना सुंदर नहीं लगता, वो तभी सुंदर लगेगा कब, जब उसके अंदर विद्या होगी, समझ गए। और विद्या नहीं है तो ये जान लीजिए कि तुमने अपने जीवन के भविष्य की, जिसको करियर को कहते हैं, हत्या कर ली है। और ये बातें यहां पर नारद जी के प्रसंग में आती, इसीलिए कहते दांते धृत क्रीडन के नुवर्तिनी, जितेंद्रिय था और अधृत क्रीडन के, क्रीडनक कहते हैं खिलौनों को, मैं खिलौनों से नहीं खेलता था, अनुवर्तनी उनका अनुवर्तन करता था, जो कहते थे वो सुनता था, किसका, जो चार महात्मा थे। यहां पर बहुत बड़ी एक बात कही गई है श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में, नारद जी के पूर्व चरित्र में, यदि समझ जाए व्यक्ति तो समझ जाए, क्योंकि लक्षण जो होते हैं वो भविष्य निर्धारित करते हैं। तो यही बात रामचरित मानस में भी पुष्ट की गई है, जिस समय काकभूषण जी ने कहा मैं इसके अगले जन्म में जब मैं ब्राह्मण का शरीर प्राप्त किया तो परमात्मा से इतना प्रेम हो गया था कि वहां पर भी मैं खेल भी यदि खेलता था तो खेलता हूँ बालकन मीला, बच्चा था तो उस समय खेल भी यदि खेलता था तो क्या खेलता था, भगवान की लीला करता था, भगवान के राम लीला के खेल खेलता था। तो कहने का मतलब एक बात और बता दें, जिस व्यक्ति के जो मन में होता है ना वही आचरण में होता है। मैंने छोटे छोटे 12-13 साल के लड़कों को देखा है, कहीं कुछ नहीं, अवैसे ऐसे चीज करते देखा मैंने। क्या मतलब है कि क्रिकेट उनको इतना भूत की तरह चढ़ गया है कि अब चलते फिरते उसे क्रिकेट के एक्शन याद आते हैं। अब जरा सोचो, जो व्यक्ति बचपन में मात्र खेल करके टाइम बिताएगा तो भविष्य निर्माण कब करेगा, ध्यान रखो। और जो पहले से एडवांस अलर्ट नहीं होता है, जान लीजिए वही जीवन भर धक्के खाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति हो, उसका भविष्य मात्र 5 साल की अवस्था में दिखाई पड़ जाता है।
यहाँ रामचरितमानस में काकभूषण जी भी कहते थे कि मैं बच्चों के साथ खेलता था तब भी मैं मेरी बाल्यावस्था थी, और यहाँ नारद जी कह रहे हैं कि मेरी भी 5 साल की बाल्यावस्था थी और वहाँ पर अद्रितक क्रीडन के खिलौने से नहीं खेलता था। फिर आगे क्या हुआ, उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजयी, उच्छिष्ट माने उनका बचा हुआ प्रसाद, अनुलेपन माने चंदन आदि, अनुमोदितो द्विजयी उन ब्राह्मणों के द्वारा अनुमोदन करने पर, अनुमोदन माने उनकी आज्ञा प्राप्त करने पर, सकृष्म भुंजे तदपास्त किल विषः, एक बार जीवन में दिन में एक बार भोजन करता था, और इससे क्या हुआ कि एक तो भगवान की कथा सुनता था, महात्माओं की सेवा करता था, एक बार भोजन करता था, तो परिणाम क्या निकाल, तद अपास्त किल विषः, और उससे हमारे जितने पूर्व जन्मों के पाप थे वे सब कटने लग गए। ठीक है, एवं प्रवत्तस्य विशुद्ध चेतसा, इस प्रकार से मैं प्रवृत्त होकर के विशुद्ध चित्त से उनकी सेवा करने से, क्योंकि विशुद्ध चेतसा का मतलब जब हमारे पाप कट गए ना तो हमारा चित्त भी विशुद्ध हो गया। तो क्या मतलब है, एक एक क्रम देखते जाना, पहले सेवा करो, भगवान की कथा सुनो, महात्मा ने क्या किया था, कथा सुनाई और उनकी सेवा की। ठीक है, और एक नियम व्रत के अनुसार उन्होंने एक बार भोजन किया, और दांत माने जितेंद्रिय तो वैसे ही थे, तो भगवान की कथा सुन के महात्माओं की सेवा करके कह रहे कि अपास्त किल विषः, हमारे पाप कटने लग गए, और जब हमारे पाप कटने लग गए तो धीरे धीरे क्या हुआ कहते, विशुद्ध चेतसा, मेरा चित्त विशुद्ध हो गया, और तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते, ध्यान रखो जिसका चित्त विशुद्ध हो जाता है ना तो तत्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते, उसकी धर्म में रुचि लग जाती है। क्या कंडीशन है, पहले भगवान की कथा सुनो, महात्माओं की सेवा करो, सेवा करने के बाद जितेंद्रिय होके परमात्मा का नाम स्मरण करो, स्मरण करते भगवान की कथा सुनते सुनते तुम्हारा पाप कटेंगे, और जब पाप कटेंगे तो तुम्हारा चित्त विशुद्ध हो जाएगा, और जब तुम्हारा चित्त विशुद्ध होगा तब तुम्हारे हृदय में धर्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी। समझ गए, ये क्रम दिया गया है भागवत में, इस प्रकार से उन्होंने बताया। और फिर इसके बाद 4 महीने इसी प्रकार से उन्होंने क्रम से बताया, तो बड़े गहराई की बात है, बच्चे का जीवन जो होता है वो प्रारंभ में ही पकड़ा जा सकता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय, रास बिहारी सरकार की जय।